कि लोगों का विश्वास राजनीति पर से उठता जाए। लालू प्रसाद जी के बारे में क्या बोला जाएगा कि क्या दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए जेल? ये तो भ्रष्टाचारियों की एक जमात खड़ी कर दी गई, और जब कार्रवाई होता है तो कहते हैं कि हमको तो फंसा दिया गया। ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करिए कानूनी प्रक्रिया के तहत और वहाँ अनाथालय खोलिए। मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ, पटना में जितना भूभाग आपके पास उपलब्ध है, आपके परिवार के पास, किस पटना निवासी को है कि तेजस्वी यादव जहां जाइएगा वहां नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी को पाइए? बिल्कुल कटु सच्चाई है कि राजनीति को संपत्ति सृजन का एक माध्यम बना दिया गया, जिसका दुर्भाग्यजनक नतीजा यह आया कि लोगों का विश्वास राजनीति पर से उठता जा रहा है। तो भाई यह तो सच है। अब लालू प्रसाद जी के बारे में क्या बोला जाएगा कि क्या दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए जेल गए थे, अति पिछड़ा को हिस्सा दिलाने के लिए गए थे, भारत रत्न कर्पूरी जी को मिले इसके लिए जेल गए थे? ये तो भ्रष्टाचारियों की एक जमात खड़ी कर दी गई, और जब कार्रवाई होता है तो कहते हैं कि हमको तो फंसा दिया गया। अरे भाई, आपने संपत्ति सृजन किया है, आप उसका लाभ ले रहे हैं, तो आप तो गुनाहगार माने जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन लोगों की संपत्ति पर ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई को अगर न्याय संगत बताया जाता है तो ये बेचैन हो जाते हैं। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करिए कानूनी प्रक्रिया के तहत और वहां अनाथालय खोलिए, वृद्धावस्था आश्रम खोलिए, जिससे नई पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी अनुप्राणित हो सके कि इन राजनीति के भ्रष्टाचारियों को कैसे सबक सिखाया जाता है। ये जनता इसके लिए प्रतीक्षा सूची में बैठी हुई है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलने की मशीन है और सिर्फ झूठ का प्रचार करते हैं, 10 वर्षों में बिहार को कुछ नहीं दिया और मुख्यमंत्री लगातार विशेष राज की मांग करते रहे, 10 सवाल तो भी उन्होंने पूछा है, भ्रष्टाचार को भी। मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ, पटना में जितना भूभाग आपके पास उपलब्ध है, आपके परिवार के पास, किस पटना निवासी को है? पटना के सबसे बड़े जमींदार आप हैं कि कहां से, कौन बिजनेस है आपका, कहां आपने संपत्ति बनाया था, कैसे संपत्ति बना, कहां फैक्ट्री चला था, हम आपसे जानना चाहते हैं। और बिहार में 10 वर्ष को अगर कुछ में कुछ नहीं हुआ है तो मेरिन ड्राइव कैसे बन गया? हर 40 किलोमीटर पर पुल गंगा पर कैसे बन रहा है? उनको नजर नहीं आता है जो राघोपुर दियारा है, जहां उनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहां जाने के लिए सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना से कैसे बनी? अद्भुत तर्क है भाई। आईआईटी बना, आईआईएम बना, ये जानकारी नहीं है? अरे विकास की तो इतनी लंबी फेहरिस्त है कि तेजस्वी यादव जहां जाइएगा वहां नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी को पाइएगा। कई सवाल भी पूछे कल फेसबुक लाइव के माध्यम से, और ये भी कहा कि उनके पास मुद्दा नहीं है, हमारे पास मुद्दा है, और इसीलिए घबरा के प्रधानमंत्री लगातार बिहार का दौरा कर। अरे तो हम तो फेसबुक लाइव आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल अधिकृत करे, हमारा पंचायत का अध्यक्ष नजारा दिखा देगा कि हमने क्या काम किया है, उनके तरफ से समय तय हो जाए, तिथि तय हो जाए, मुहूर्त तय हो जाए, और हमारी पार्टी का पंचायत का अध्यक्ष, चाहे कानून का राज का मसला हो या विकास के मसला हो, उस पर बहस करने को तैयार है। इसके लिए हम लोग को गांव-गांव में जनता बोल रही है, जो हमारा विरोधी है वो भी बोलता है कि नीतीश कुमार जी ने तो काम किया है इस बिहार में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि 19 अप्रैल को मतदान है और 17 अप्रैल को ये लोग दंगा कराते हैं। इसका मतलब कि राज्य की पुलिस कायर है? कोई दंगा करा देगा और चैन से रह जाएगा? अरे बिहार मॉडल अपनाइए, भागलपुर दंगा माथे पर कलंक था, लालू जी ने फाइल बंद करवा दिया था, हमने उस फाइल को खोला, दंगाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल गया, और देश का पहला उदाहरण नीतीश कुमार जी बने कि दंगाइयों और बलवाइयों ने अल्पसंख्यक समुदाय को जो जमीन से बेदखल कर दिया था, जो गांव छोड़ के चले गए थे उनको ले जाके गांव में बसा दिया। लेकिन लगातार ममता बनर्जी हमला बरतती है और ऐसे में ये बयान कि बीजेपी के सीधे
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दंगाई। अब मैं कह रहा हूँ वो चूंकि राजनीति में मानसिक तनाव में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ नहीं, वामपंथ की पार्टी को सेकुलर मानते नहीं है, तो ऐसे लोग तो अनाप शनाप बयान देंगे ही। कल प्रधानमंत्री मोदी आए थे बिहार के नवादा में, वहां पे उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उस पर विपक्ष का कहना है कि अब बस इनके पास यही मुद्दा बच गया, राम मंदिर, और इसी का गुणगान गाते थे। नहीं, जैस भगवान श्री राम का मंदिर बना न्यायालय के हस्तक्षेप से ना, यही तो आम लोगों का कहना था। तमाम राजनीतिक दलों की यह बौद्धिक सहमति इस पर बनी हुई थी कि भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बने, और तो सबकी सहमति से। तो अगर ये मंदिर बना है तो सबके लिए सम्मान का विषय है, हर लोगों की आस्था है उससे, न उससे कोई इस्लाम धर्म वाले परेशान है, न क्रिश्चियन धर्म मानने वाले परेशान है, कोई परेशान नहीं है, तो विपक्ष क्यों परेशान है।